आखिर मैंने अपने चैनल के ऊपर 2 साल काम तो किया, लेकिन दोस्तों जो काम मुझे करना चाहिए था, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे थे, जो मैंने गलतियाँ करी है, उन गलतियों को दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि वो गलतियाँ इन फ्यूचर आप जैसे क्रिएटर है, जो छोटे क्रिएटर है, जो नए क्रिएटर है, वो ना दोहराए। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो पे नए पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज से 2 साल पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था, 16 जून 2020 के अंदर दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं काम करूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। ऑलमोस्ट दोस्तों सारे क्रिएटर यही सोच के आते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं भी यही सोच के आया था। दोस्तों मैंने भी यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे दोस्तों मैं काम करता गया। आज दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर 280 वीडियो है, लेकिन इन 280 वीडियो में मैं आज तक 1 रुपया नहीं कमा पाया। उसका दोस्तों मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। रीज़न वो क्या है कि आप फ्यूचर में वो गलतियां ना करो जो दोस्तों मैंने गलतियां करी है। दोस्तों सबसे पहली गलती कि मैंने जिस फ़ोन से दोस्तों मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था स्टार्टिंग से लेकर आज तक, दोस्तों मैं आपको फ़ोन बता देता हूं। यहां पे मेरे पास दोस्तों अभी फ़ोन है जेब में, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये फ़ोन है। दोस्तों ये पुराना फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus। दोस्तों इस फ़ोन से मैंने स्टार्टिंग से लेके आज दिन तक दोस्तों मैंने वीडियो बनाए थे, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों इस फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मैंने कभी भी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। लोग दोस्तों क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं, ठीक है, वो दोस्तों गधे की तरह काम करते हैं जैसे दोस्तों मैंने किया। क्या करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ वीडियो अपलोड करते रहते। उनको ये नहीं पता होता है कि यूट्यूब के ऊपर हमें क्वालिटी भी इंप्रूव करना पड़ता है। उनको ये नहीं पता होता कि टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अलावा सबसे मैटर जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वीडियो की क्वालिटी होती है। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेरी सबसे बड़ी मैं आपको गलती बताऊंगा वो ये थी कि मैंने सिर्फ सारे वीडियो इसी फ़ोन से बनाए हैं, ठीक है, मैंने अपना फ़ोन चेंज नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप YouTube पे काम करते हो तो आपको सबसे पहले अपने चैनल के ऊपर एक कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक दोस्तों अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो दोस्तों आपको हमेशा गेमिंग के रिलेटेड वीडियो डालना पड़ता है। अगर आपका दोस्तों टेक कैटेगरी का चैनल है तो दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड टिप्स ट्रिक या टेक कैटेगरी के वीडियो डालने पड़ते हैं। अगर दोस्तों आपका कॉमेडी का चैनल है तो दोस्तों आपको कॉमेडी के वीडियो डालने पड़ते हैं। वैसे दोस्तों मेरे चैनल की कोई कैटेगरी नहीं थी, मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों कचरा बना के रखा था मैंने। दोस्तों कभी व्लॉग डाल दिया, कभी कॉमेडी डाल दी, कभी शॉर्ट वीडियो डाल दिया, इस वजह से दोस्तों मुझे टाइम लग गया। ये दोस्तों सबसे बड़ी मेरी गलती थी, ठीक है, जो कि आज जब मैं सर से मिला तो सर ने मुझे उनके बारे में बताया। वो गलती दोस्तों अब मैं दोबारा नहीं दोहराने वाला हूं। और अगर आप भी दोस्तों ये गलतियां कर रहे थे अपने चैनल के ऊपर तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर यहां तक देखा तो दोस्तों आप अपने चैनल के ऊपर जाके आप अपनी गलतियां ढूंढना कि आपने कहां गलतियां कर रही है, वो गलतियां दोस्तों आप दोबारा मत दोहराना, ठीक है। ये 2 गलतियां दोस्तों ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर करते हैं। दोस्तों ये गलतियां मैं भी कर रहा था, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूँ तीसरी गलती, दोस्तों तीसरी गलती ये होती है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो कभी हमें ये नहीं पता रहता कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सामने वाला इंसान सर्च करेगा तो सर्च में आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों सर्च में लाने के लिए सबसे जो दोस्तों मोस्ट होता है वो होता है दोस्तों वीडियो का टाइटल। टाइटल का मतलब जो वीडियो हमने लिखा है दोस्तों, उस वीडियो का टाइटल क्या लिखा है, वो सबसे ज़्यादा दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल होता है उस टाइम, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दोस्तों क्या किया था, मैंने एक टाइटल डालते टाइम ये गलती करी थी कि जो दोस्तों मुझे सही लगा दोस्तों मैंने वो डाल दिया। मैंने कभी यूट्यूब पर सर्च करके ये नहीं डाला कि यूट्यूब पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो आप कभी भी दोस्तों वीडियो बनाओ तो आपको हमेशा यूट्यूब पर सर्च करना है कि आपका जो वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड दोस्तों यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आपको वही कीवर्ड दोस्तों आपकी वीडियो के टाइटल में लगाने हैं, वही कीवर्ड दोस्तों आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं और वही कीवर्ड दोस्तों आपको वीडियो के टैग्स में लगाने हैं, ठीक है। तब जाके दोस्तों आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ आएंगे, धीरे धीरे आपका चैनल दोस्तों ग्रो होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये 3 मिस्टेक बताई है। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपने अभी तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।